डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। क्लियर है? पिछली क्लास में हमने एंगल को मेजर करना सीख लिया था, कैसे एंगल को हम मेजर करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव एंगल कब लेंगे, नेगेटिव एंगल कब लेंगे। तो सपोज दैट ये अपना एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है अपना वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ये है अपना ओरिजिन। क्लियर है? तो देखो, एंगल को हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमेशा जो एंगल है वो अपने को यहीं से मेजर करना है। अब इसमें दो तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। मान लो ये कोई लाइन है, ये तो ये जो लाइन है ये इस वाले एक्सिस से ये जो एंगल बना रही है, तो इसको हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं इस एंगल को, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, अपनी जो घड़ी है वो ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं, ये सॉरी ये जो मेजरमेंट है ये तो है क्लॉकवाइज, और ये वाला जो मेजरमेंट होगा इसको हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। तो ध्यान में ये रखना है अपने को, जब भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उस केस में अपने को एंगल को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो उस केस में अपने को एंगल नेगेटिव मेजर करना है। तो क्लियर है? तो ये बेसिक चीज है एंगल को मेजर करने की। तो बस ध्यान ही रखना है अपने को, अगर हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, और अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? ये हो गए बेसिक, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को हम कैसे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो ये कोई लाइन है, ये एंगल है पाई बाई 4 रेडियन। तो अगर हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं तो इस केस में हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ये एक लाइन है ये वाली, तो इस एंगल को सपोज दैट ये एंगल है अपना पाई बाई 4, इस एक्सिस से बना रही है लाइन, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव। तो ये लाइन इसको इस केस में हम इस थीटा को लिखा करेंगे माइनस का पाई बाई 4, नेगेटिव लेंगे, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है और ये है अपनी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने जो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा सॉरी कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना तो ये अपना 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो ध्यान देना कि कोई भी जो एंगल होता है, सपोज दैट एंगल हम थीटा लेके चलते हैं, उस एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 6 हैं। फर्स्ट है अपना साइन,
सेकंड है कोसाइन, थर्ड होगा टेंजेंट, उसके बाद ये हो जाएगा कोसेक, कोसेंट बोलते हैं इसको, उसके बाद फिफ्थ होगा अपना और लास्ट है कोटेंजेंट। मतलब अगर कोई भी एंगल थीटा है तो उसका साइन जब हम लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं साइन थीटा, क्लियर है। इसी एंगल का जब हम कोसाइन लेंगे तो उसको हम लिखते हैं कोस थीटा से, टेंजेंट को लिखते हैं टेन थीटा से, ऐसे कोसेंट को लिख देंगे हम कोसेक थीटा से, उस सेकेंड इसको हम लिखेंगे सेक थीटा से, और ये हो जाएगा अपना कोट थीटा। तो ये छह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इनको हम मेजर कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं। तो इन सबको हम मेजर करते हैं एक्स वाई और आर की फॉर्म में। एक्स वाई आर क्या है देखो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लो अपने एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है अपना। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई। तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो एक्स होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये वाई होगी। तो इसको हम एक्स लिख देंगे और इसको वाई लिख देंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना सबको पता होता है हमें। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर कंसीडर कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने को ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज दैट अपने यहाँ पर जो ये एंगल है ये थीटा है, देखो हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक ट्रिक सीख लेते हैं हम जिसको, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस और पी का मतलब परपेंडिकुलर अगेन, एस का मतलब होता है हाइपोटेनस, क्लियर है कि नहीं। तो देखो कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, वो पहचान अपने को आना चाहिए। सपोज दैट अपने पास एक ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। उसके बाद परपेंडिकुलर के साथ जो परपेंडिकुलर होगा मतलब उसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसको हम बेस बोलेंगे, और बाकी की जो बची हुई साइड है या सबसे बड़ी जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान रखना थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, फिर इस परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो बेस हो जाएगा, और बाकी बची हुई जो साइड है जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनस होती है। अगर मान लो हमने थीटा इसको कंसीडर कर लिया, इसी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो देखो अगर हमने थीटा इसको मान लिया तो देखो अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो थीटा अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करते हैं। तो ट्रिक का मतलब क्या है, इधर देखो ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, तो देखो साइन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और ये होता है टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्लियर है कि नहीं। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो उल्टा होगा ये होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं देखो वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा। और ये जो टेन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कोट थीटा, क्लियर है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिख देंगे, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं,
तो देखो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है डायग्राम में वाई और हाइपोटेनस है आर। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वाई अपॉन आर। ऐसे ही जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है यहाँ पर एक्स और हाइपोटेनस है आर, तो हो जाएगा एक्स अपॉन में आर। टेन थीटा होता है, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मीन्स वाई अपॉन एक्स। उसके बाद देखो कोसेक थीटा जो होगा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो इसको हम लिख देंगे आर अपॉन वाई। ऐसे ही जो सेक थीटा है ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर बाई एक्स। और कोट थीटा है, सॉरी टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एक्स अपॉन वाई। तो इस टाइप से हम ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन कोट ये सब, इनको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइपोटेनस। किसी भी ट्रायंगल को देख करके अपने को उसका बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। थैंक यू।